हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज भी मैं आपके साथ लो बजट में कैसे घर के लिए महंगा डेकोर पीस बना सकते हो वो आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप आप सभी को पसंद आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक पेंटिंग था, बहुत ही पुराना था, तो मुझे ना इसका लुक थोड़ा चेंज करना था। और मैं सोच रही थी इसके जो पेंटिंग के अंदर ये तो MDF बोर्ड होगा, लेकिन इसका ना एक बुरादा निकला। ये बिल्कुल मतलब रफ़ है और इसमें जो बुरादा है वो झड़ भी रहा था। तो मैं पहले सोची इसको फेंक दूँ और कुछ ना करूँ, फिर सोची नहीं इसका इतना मुश्किल से अगर हटाएंगे तो कुछ तो इसमें करूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा जुगाड़ लगा के मैं सोच रही हूँ कुछ तो इसका बनाऊँ। तो पहले मैं इसका जो पीछे वाला पार्ट है ना, इसका जो पेपर फट गया था, तो मैं सोची इसमें एक पहले ही पेपर लगा दूँ, क्योंकि इसका बुरादा वगैरह झड़ रहा था तो बार बार झड़ेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूँ, एक ऑनलाइन पेपर ली हूँ, उसको यहाँ पे स्टिक कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत थिक भी होता है, बहुत अच्छे तरीके से स्टिक भी हो जाएगा और इसके कलर के साथ मैच भी होगा, क्योंकि पीछे वाला पार्ट है इतना पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद जो फ्रंट वाला साइड है, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, वॉल पुट्टी का पेस्ट ली हूँ। वॉल पुट्टी का पेस्ट लेके यहाँ पे क्या कर रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पे मैं हाथों की मदद से कर रही हूँ, आप चाहे तो ग्लू लगा के करना, क्योंकि ये बहुत ही रफ है और हाथों में थोड़ा ड्राई होने से हो सकता है। तो इसके बाद मैं क्या करूँ ना, वॉल पुट्टी के साथ कवर करी थी, लेकिन ये अच्छे से कवर नहीं हो पा रहा था। जितना भी वॉल पुट्टी का पानी है वो सारे इसके अंदर ही जा रहा था और अच्छे से फिनिशिंग नहीं आ रहा था। तो मैं फिर से इसमें यहाँ पे जुगाड़ लगा के टिश्यू पेपर से स्टिक कर रही हूँ, ताकि इसका जो सरफेस है वो थोड़ा सा अलग से टेक्सचर वाला आ जाए और थोड़ा सा मतलब पेंटिंग लाइक हो जाए, चाहे पेंट या जो भी हम करेंगे वो आर्क इसके ऊपर थोड़ा सा इसका लाइक हो जाए। और टिश्यू पेपर स्टिक करने के बाद मैं इसको अच्छे से ड्राई होने के लिए 2-3 दिन के लिए छोड़ दी थी, और 2-3 दिन के बाद ये अच्छे से ड्राई हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या की हूँ, पेंसिल की मदद से एक ड्रॉ बना दी हूँ। आप कोई भी पेंटिंग बना सकते हो, आपके हाथों में जो अच्छे से पेंट हो रहा है, चाहे फूल हो गया, चाहे फ्लावर हो गया, सॉरी या ट्री हो गया, कुछ भी आप बना सकते हो। तो यहाँ पर उसके बाद मैं वॉल पुट्टी का कोन ली हूँ। वॉल पुट्टी के कोन की मदद से जो भी जो पेंटिंग बनाई थी वो इसके ऊपर मैं क्या कर रही हूँ, सारे अप्लाई करती जाऊँगी। इसके साथ आपको कोई भी चीज़ पेंटिंग वगैरह बनाना काफ़ी इजी है, देखने में तो मुश्किल लगता है लेकिन काफ़ी इजी है। बस वॉल पुट्टी को ना ज़्यादा थिक नहीं करना, ना ज़्यादा पतला भी नहीं करना, ताकि थोड़ा सा स्मूथ पेस्ट बनाना, तो ताकि अच्छे से ये पूरे ही जो कोन से निकल के आराम से हमारा जो पेंटिंग बन के तैयार हो जाएगा। जो भी मैं यहाँ पे पेंटिंग बनाई थी उसके ऊपर बस अप्लाई करती जाऊँगी। और इसके साथ काम करना ना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि ये बहुत ही स्मूथली फिसलता है, बहुत अच्छा भी लग रहा है इसको बनाना। उसके बाद जो अभी हम फ्लावर पत्ते जो भी बनाते हैं उसके अंदर से भी थोड़ी थोड़ी बहुत डिटेलिंग करेंगे, ताकि इसका लुक थोड़ा 3D वाला आए और अच्छा भी लगे। आप घर के लिए कुछ अगर लो बजट में महंगा डेकोर पीस चाहते हो तो आप ज़रूर इसको ट्राई करना, देखना आपका घर का लुक चेंज होने के बाद आपको मतलब बिल्कुल लगेगा ब्रांडेड वाला पीस है, बहुत महंगा वाला पीस है, लेकिन ये बहुत ही लो बजट में ये बन के तैयार हो जाएगा। आपके पास ऐसे कोई भी कार्डबोर्ड होगा तो उसके साथ ये बना के तैयार कर सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा वॉल पुट्टी बच गया था, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, बॉर्डर में थोड़ा सा ये दे रही हूँ, ताकि ये बॉर्डर भी बन जाए और देखने में अच्छा लगे। तो अभी ये अप्लाई करने बाद हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। ड्राई होने के बाद ही हम इसका कलर अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। अच्छे से ड्राई होने के बाद मैं यहाँ पे मेरी बिटिया को दे दी कलर अप्लाई करने के लिए, क्योंकि इसको बहुत टाइम लगेगा इसको कलर अप्लाई करने में, क्योंकि थोड़ा सा वॉल पुट्टी का पेस्ट हम लगाए थे और टिश्यू पेपर लगाए थे, तो इसको बहुत टाइम लगेगा इसके ऊपर कलर अप्लाई करने में। तो मेरी बिटिया अभी इसको कलर कर रही है ब्लैक कलर से। आप चाहे तो आपका मनपसंद कोई भी कलर कर सकते हो, चाहे रेड हो, डार्क ग्रीन हो, ब्लू हो, चाहे आपका मनपसंद कलर कर लेना, उसके बाद इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देना। अच्छे से ये ड्राई हो गया फ्रेंड्स, इसके ऊपर हम फिर से थोड़ा सा चेंजेस लुक देंगे। तो इसका जो बॉर्डर है मैं यहाँ पे डार्क ग्रीन कलर से थोड़ा बॉर्डर दे दी हूँ, और यहाँ पे जो भी हम जो थोड़ा सा डिटेलिंग वगैरह किए थे ना, जो पैटर्न और ड्रॉ किए थे, तो उसमें यहाँ पे क्या करूँगी, गोल्डन कलर से थोड़ा डब डब कर दूँगी, ताकि वो जो हम ड्रॉ किए थे वो थोड़ा उभर के आए और हमारा जो ये पेंटिंग है बिल्कुल ब्रांडेड लुक भी दे, क्योंकि ब्लैक और गोल्डन का कॉम्बिनेशन कुछ अलग ही होता है, उसका लुक कुछ अलग ही आती है। कुछ नहीं करना है, सिंपल स्पॉन्ज के मदद से ही आपको बस टैप टैप करना है जो भी अब जो लाइन हम ड्रॉ किए थे, आप तो इधर उधर भी लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से इसको कर सकते हो। चलिए फिर देखते हैं अब इसका फाइनल लुक। कैसा लगा मेरा ये जो आइडिया, आप सब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और कुछ चेंजेस हो सकता है वो भी आप ज़रूर लिखना।
उसके बाद चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं दूसरे वाले डीआईवाई पे। तो यहाँ पे मैं एक रसगुल्ले का टीन ली हूँ और यहाँ पे मैं भी वालपुटी का ही कुछ मतलब यहाँ पे काम करूँगी। तो वालपुटी का डो ली हूँ, इसको मैं सिंपल सा धागे टाइप का बना के इसके ऊपर अप्लाई करती जाऊँगी। मैं यहाँ पे ग्लू की मदद से अप्लाई कर रही हूँ, आप चाहे तो वालपुटी का ही पेस्ट लेके भी अप्लाई कर सकते हो ताकि आपको वालपुटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे कुछ ये जो कंटेनर है इसको कुछ डिफरेंट लुक देना था तो इसलिए मैं वालपुटी ली हूँ। आप चाहे तो पेंटिंग वगैरह भी कर सकते हो या नहीं तो आपके पास जूट रोप वगैरह पड़ा होगा तो उसमें भी आप जो ये क्या करना अप्लाई कर सकते हो, वो भी बहुत ईजी होगा और उसका भी लुक काफ़ी अच्छा आएगा। उसके बाद मैं थोड़ा सा सीधा धागे टाइप का बने या कुछ गुंथे टाइप का ऐसे बनाई हूँ, जैसे देख सकते हो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको घुमा के दो जो वालपुट्टी को लेके धागे को लेके थोड़ा सा घुमा के इसका गुंथे टाइप का बना दी। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ ताकि उसका जो पैटर्न है वो थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट आए और देखने में अच्छा लगे। ऐसे ही करते करते हम पूरे ही जो कंटेनर है इसको भर देंगे वालपुटी मदद से। इसको अच्छे से थोड़ा सा फिनिशिंग देने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा क्या थोड़ी बहुत क्या होता है ना, ये धागे में थोड़ा सा गैप रह गया था तो मैं सोची इसके भी थोड़ा जुगाड़ लगा जाए। तो यहाँ पे फिर से मैं वालपुटी का ही ली हूँ, थोड़ा बॉल्स बना दी हूँ छोटे छोटे करके। उसके बाद यहाँ पे मैं वालपुटी का ही पेस्ट लेके यहाँ इसी के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा जो इसका सरफेस है ना थोड़ा स्मूथ हो जाए, थोड़ा सा मतलब फिनिशिंग लुक आए। उसके बाद जो भी थोड़ी बहुत जो गैप था उसके ऊपर हम जो बॉल्स बने थे उसको क्या करेंगे, स्टिक कर देंगे ताकि ये जो हमारा जो ये कॉर्नप्लांटर बना है इसका भी लुक थोड़ा डिफरेंट आ जाएगा और उसके बाद ये जो गैप है हमारा वो भी छुप जाएगा। देखिए सकते हो फ्रेंड अच्छे से स्टिक करने के बाद यहाँ पे क्या कर रही हूँ, जो भी हम बॉल्स बनाए थे उसके ऊपर थोड़ा सा ये जो स्केच पेन की मदद से थोड़ा सा बस प्रेस कर रही हूँ ताकि जो बॉल्स है थोड़ा सा डिफरेंट लुक आए और इसका थोड़ा सा मतलब डिफरेंट ही इसका पैटर्न बन जाए। अच्छे से ये सारे प्रेस करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। ड्राई होने के बाद हम इसका कलर अप्लाई करेंगे। कलर मैं अप्लाई कर दी हूँ इसका इसके ऊपर थोड़ा सा बिल्कुल लाइट कलर का स्काई ब्लू की हूँ। उसके बाद जो जो बॉल्स बनाए थे डॉट उसके ऊपर हम जो डार्क पिंक है वो की हूँ। उसके बाद थोड़ा सा जैसे पिछले डीआईवाई से थोड़ा गोल्डन कलर बच गया था तो इसी के ऊपर मैं अप्लाई कर दी हूँ थोड़ा डस्टिंग टाइप का ही। उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूँ, ब्लैक कलर से थोड़ा सा यहाँ पर ब्रश में डब डब कर रही हूँ। डब डब कर सकते हो नहीं तो आप ऐसे छिड़काव भी कर सकते हो ताकि इसका जो लुक थोड़ा सा मतलब मार्बल टाइप का ही आए और थोड़ा अलग सा आए। ये ना भी करके आप स्किप भी कर सकते हो, बस इतना ही पेंटिंग भी करके रख सकते हो। देखिए तो फ्रेंड इसका अभी फाइनल लुक। आई होप आप सभी को मेरा जो दोनों ही डीआईवाई पसंद आया होगा। आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज़ फ्रेंड मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर। Thank you. Thanks for watching.